तो बच्चों, इसमें आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं पदार्थों के गुणधर्म। इसमें हम तो पहला जो वर्ड है या पहला गुणधर्म है वो कहलाता है प्रत्यास्थता। ठीक, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी का मीनिंग मैं समझा देता हूं। किसी पदार्थ के ऊपर बाह्य विरूपक बल को हटाने पर वस्तु द्वारा अपनी आकार आकृति और स्थिति को प्राप्त कर लेने का गुण धर्म प्रत्यास्थता कहलाता है और वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती। उदाहरण पानी धातु रबर। देखिए, अगर मैं यहां पर मान लीजिए एक मैं वायर ले लेता हूं, ये मैंने यहां पर सपोज करिए वायर के ऊपर मैंने वेट या बल F इक्वल टू mg यहां पर अप्लाई किया। ठीक, वस्तु की लंबाई में बढ़ेगा और जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये मान लो इसकी प्रारंभिक लंबाई L है प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है। जैसे ही मैंने वेट लगाया तो इसकी लंबाई कैसी हो जाएगी, ये बढ़ गई एल से। लेकिन जैसे ही मैंने बल हटाया वस्तु ने अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर लिया। ठीक, अब जैसे मैंने हो तो बल को यहां पर बल लगा रहा हूं, लंबाई बढ़ गई। लेकिन जैसे ही मैंने हो तो बल को हटाया को अलग कर दिया,
वस्तु अपनी फिर से प्रारंभिक स्थिति में वापस हो गई, जैसे रबड़ को आप खींचते हैं, हटा दीजिए तो वापस चली जाती है। वस्तु का यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है, और जो इस टाइप की वस्तु होती हैं उन्हें प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। ठीक, हम यहाँ पर एक और डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक वस्तु है। ध्यान रखिएगा, इसमें बाह्य विरूपक बल हटाने पर यदि वस्तु अपनी पुरानी अपने पुराने आकार आकृति और स्थिति को प्राप्त नहीं करती तो वस्तुओं का यह गुण प्लास्टिसिटी कहलाता है और वस्तुएं प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती हरण गीली मिट्टी देखिए, अगर अब आप गीली मिट्टी लीजिए, गीली मिट्टी को आप क्या करिए, कोई शेप दे दीजिए और ऐसा बल लगाइए और बल को हटा दीजिए, तो गीली मिट्टी ने जो शेप आपका ले लिया है वही रहेगा, वापस नहीं आएगा। तो इस प्रकार की वस्तुओं को हम प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं, और वस्तु का यह गुण प्लास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों वस्तुएं हमारे पास होती हैं, और इसमें हमारे पास दो नए शब्द आते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस प्रतिबल। ठीक, तो ये मेरे पास यहां पर बल, इसको हम ये ऐसा डिफाइन करते हैं कि वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स।
restoring force प्रतिबल कहलाता है। देखिए हम इसको ऐसा होता डिफाइन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपने एक वायर लिया, इसका ये क्षेत्रफल हो गया, इस क्षेत्रफल पर लगने वाला बल F इक्वल टू W इक्वल टू एम जी है, तो जो इसके ऊपर बल ठीक है लगता है ठीक, तो इसके क्षेत्रफल ठीक W क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर पर लगता है, ये तो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, एक बल ऐसा लगता है जो इसको वापस लेकर जाता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, री स्टोरिंग फोर्स बोल देते हैं, जो इसको वापस लेके जाता है, क्षेत्रफल ए के बराबर होता है। मेरे पास यहाँ पर प्रतिबल बराबर हो जाता है एफ अपॉन ए के मान के बराबर, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर के मान के बराबर होता है। तो प्रतिबल हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं, प्रतिबल यहाँ पर मैं तीन प्रकार का लेके चल रहा हूँ, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा मेरे पास हो जाता है नॉर्मल या आयतन या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल प्रतिबल है स्पर्श रेखी प्रतिबल। तो ये तीन टाइप के हमारे पास यहाँ पर प्रतिबल हो जाते हैं। जब अपन किसी वस्तु के ऊपर प्रतिबल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में क्षेत्रफल में या आयतन में परिवर्तन होता है, ये जो परिवर्तन वगैरह होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, विकृति बोलते हैं। विकृति हमारे पास क्या आ जाती है, विकृति को अगर अपन यहाँ पर डिफाइन करें तो विकृति बराबर वस्तु के आयाम, यहाँ पर आयाम कौन कौन से हो जाते हैं, या तो लंबाई हो गई या क्षेत्रफल हो गया या आयतन हो गया, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयाम या विमा ठीक बटे का बटे प्रारंभिक विमा। देखिए अगर मैंने किसी वस्तु की लंबाई को किसी वस्तु को खींचा ये ऐसा ये ठीक, इसकी प्रारंभिक लंबाई L है, इसके ऊपर बल F लगाया तो इसकी लंबाई में परिवर्तन स्मॉल L हो गया। तो हम लंबाई का लंबाई से, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल से, आयतन का आयतन से तुलना करते हैं तो वो राशि मेरे पास क्या कहलाती है, विकृति कहलाती है। तो प्रारंभिक विभव में क्या आ जाएगी, यह लंबाई है तो हम इसका संबंध लंबाई से करेंगे, अगर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल से करेंगे, और आयतन है तो इसका हम संबंध किससे करेंगे, आयतन से करते हैं ठीक। तो अब आप देखिए मेरे पास
विकृति भी तीन प्रकार की हो जाती है। विकृति, ये अगर मैं विकृति को लेकर चलूं तो विकृति तीन प्रकार की होती है। पहला हो जाता है अनु धैर्य विकृति। अनुदैर्य विकृति को हम ऐसा डिफाइन करते हैं, मान लीजिए एक वायर ले लीजिए, ये इस वायर की प्रारंभिक लंबाई L है, आपने बल F लगाया तो इसकी लंबाई में परिवर्तन यहाँ पर स्मॉल L के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अनुदैर्य विकृति यहाँ पर ऐसी आ जाती है, लंबाई में इसको मैं ऐसा डिफाइन कर देता हूँ, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये मेरे पास हो गया। लंबाई में परिवर्तन कितना हो गया, स्मॉल एल, प्रारंभिक लंबाई कितनी हो गई, कैपिटल एल। ये क्या कहलाती है, अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। दूसरा आयतन विकृति, आयतन विकृति को मैं ऐसा डिफाइन कर सकता हूं, मान लीजिए आप एक बॉक्स में पानी भर लीजिए, ठीक, और बॉक्स में पानी भरने के बाद इसमें एक बैलून डाल दीजिए, गुब्बारा, इसका प्रारंभिक आयतन कैसा है, V है, यहाँ पर चारों तरफ से इसके ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा, जिससे इसका आयतन स्मॉल भी हो जाएगा और ये आयतन घट के डेल भी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसको आप ऐसा कर लीजिए, ये ऐसा था, अब जैसे आपने इसको यहाँ पर रखा तो इसका आयतन कितना हो गया, यानी डेल भी आयतन कम हो गया, तो बचा हुआ आयतन कितने के बराबर हो गया, यहाँ पर अगर अपन निकालें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये कैलकुलेशन मेरे पास जो आता है आयतन में कितनी कमी हो गई, मान लीजिए ये आ गई, तो आयतन विकृति को मैं ऐसा डिफाइन करता हूँ, आयतन में परिवर्तन प्रारंभिक आयतन, तो आयतन में परिवर्तन कितना हो गया, V माइनस डेल V, ये यहां पर इतना बचा ना, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, V माइनस डेल V माइनस V अपॉन V, ये दोनों कैंसिल, ये कितना जाएगा, माइनस डेल V अपॉन V की वैल्यू के इक्वल आ जाता है। नंबर थर्ड जो आता है, इस थर्ड को मैं बोलता हूं अपरूपण विकृति, ठीक, इसको नेक्स्ट पेज पे यहां पर मैं डिफाइन कर देता हूं। सपोज करिए आपके पास ये एक ब्लॉक है, ये है, अब आपने क्या किया, इसका क्षेत्रफल ए के बराबर है और इस पर स्पर्श रेखी बल एफ लगाया, ठीक। अब जैसे ही आप इसको अगर स्पर्श रेखी बल लगाएंगे, आप कल्पना कीजिए कि आपने इसको फिक्स्ड कर दिया है, दिस सरफेस इज फिक्स्ड, ऊपर वाला सरफेस आपके पास अपनी नई स्थिति ले लेगा, ये यहां पर आके यहां चला जाएगा, तो यहां पर मैं यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी L और ये डिस्प्लेसमेंट X लेके चलूं, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के मान के लगभग बराबर होता है, तो अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति को मैं ऐसा डिफाइन करता हूँ, जब नीचे
वाले ट्रस्ट को फिक्स्ड कर दिया जावे तो मेरे पास याद आती है ऊपर के ट्रस्टों का सापेक्ष विस्थापन। देखिए ये यहां से आ गया तो इसको हम डेल एक्स बोल देते हैं, बटे दोनों ऊपर और नीचे के पृष्ठों की लंबवत दूरी ये एल के बराबर हो जाती है। तो ये देखिए इन दोनों पृष्ठों के बीच की लंबवत दूरी होती है, ठीक है। इस पूरे के पूरे कंडीशन को मैं यहाँ पर अपरूपण विकृति बोलता हूँ। जैसे एक बुक को आप यहाँ पर नीचे रखिए और ऊपर से ऐसा बल लगाइए तो नीचे वाला पृष्ठ तो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, ऊपर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस कंडीशन में इस विकृति को मैं अपरूपण विकृति कहता हूँ, ठीक है। तो ये अपरूपण विकृति कहलाती है।